नमस्कार साथियों, प्रणाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैथ में हम लगभग 5 से 6 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम एवरेज स्टार्ट किए थे। एवरेज में हमने एक क्लास पढ़ चुके थे, ठीक है। अगर आप देखे ना हो तो जाके देख लीजिए, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई गई है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिंदी, रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसको जाके देखिए। और पेट का एक बेहतरीन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा रहा है, ठीक है। तो हम एवरेज की बात कर रहे थे। एवरेज में हमने एक क्लास ख़त्म कर दिया था, आज वो सेकंड क्लास है। आज देखिए शायद ये ख़त्म हो जाए, तो एवरेज का हमारा 2 क्लास में पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सारे सारे सबको इकट्ठा मिला के प्रैक्टिस करेंगे, और हो सकता है तो कि आपको मैराथन भी लाया जाए, ठीक है। तो आज हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज एवरेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत, ठीक है। औसत, ठीक है। औसत का बेसिक चीजें हम जान चुके थे, ठीक है। औसत को हम बेसिक तरीके से उसको जान गए थे। आज उसमें हम शामिल होने और निकलने पे बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसको बेस पहले उसको जान लेते हो। जैसे अगर कुछ भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन हो, अगर वो शामिल हो रहा है, शामिल होने में 2 चीज़ें होती हैं, एक शामिल होने में और निकलने में 2 चीज़ें होती हैं, शामिल होना और दूसरा चीज़ क्या होता है? निकलना, ठीक है। 2 टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। शामिल होने में जैसे कि कोई व्यक्ति क्या है, आ रहा है, ठीक है। मान लो कि 50 व्यक्ति में कोई 51वां व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। तो या फिर उस व्यक्ति 51 व्यक्ति 50 व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति निकल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर शामिल हो रहा है या निकल रहा है, तो उसमें औसत जो होता है, 2 चीज़ें हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और निकलने में भी बढ़ सकती है और घट सकती है। ऐसा नहीं कि शामिल होने पे बढ़ी केवल और निकलने में केवल घटेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो शामिल होने पे या निकलने पे बढ़ और घट दोनों सकती है। जैसे कि अगर 50 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति की औसत आयु कितनी, औसत भार क्या है? 100 किलोग्राम है, ठीक है। और कोई 51 व्यक्ति आ गया, 51 व्यक्ति आ गया, और किसकी जगह पे कोई 50 वाला, जो 50 वाला 50वां व्यक्ति था, मान लो उसकी आयु 50 केजी थी, ये औसत है, ठीक है। औसत औसत भार है, ठीक है। अगर 51 व्यक्ति है, इसकी जगह पे कोई 20 केजी का आ गया इंसान, कोई 20 केजी का पर्सन आ गया, तो क्या होगी? औसत घट जाएगी। अगर यहीं पे कोई 60 केजी का आ जाएगा, कोई 60 केजी का पर्सन आ जा रहा है, तो औसत आयु क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए कि औसत आयु में क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऐसे ही अगर निकलने में क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। समझ गए इतना? तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। एक विद्यालय में 50 छात्रों की औसत आयु, औसत भार 60 किलोग्राम है, ठीक है। 60 किलोग्राम है। यदि कोई 91 छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष, जिसका भार 20 केजी है तो छात्रों
छात्रों का औसत औसत भार औसत भार ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं। क्या दिया गया है? एक विद्यालय में 50 छात्रों की औसत आयु 60 केजी है, ठीक है। यदि कोई 91, कोई 50 छात्र थे ही, उसमें से एक छात्र जो 91 है वो क्या है, जिनकी औसत भार कितना है, 20 केजी है, वो शामिल हो जा रहा है, तो छात्रों की औसत भार क्या होगी, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करते हैं, देखो क्या करते हैं, क्या फॉर्मूले बताए थे कि कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है, औसत बराबर औसत औसत इक्वल क्या होता है, संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। टोटल नंबर मतलब नंबरों की संख्या, नंबरों की संख्याओं मतलब कितनी संख्या है, पद, जितने पद हो, ठीक है, संख्या, ठीक है। सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये फार्मूला होता है एवरेज का, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ नंबर मतलब कितने छात्र हैं, छात्र कितने हो गए, 51 हो गए, तो छात्र अब टोटल कितने हैं, 51 छात्र हैं, ठीक है, 51 छात्र है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे अब कितना हो गए, 51 छात्र हैं, ठीक है। अब औसत भार कितना था पहले, पहले इसको देख लो, ऐसे निकालो, इसको इरेज किया जा रहा है, फार्मूले तो पता है ना, देखो एक विद्यालय में 50 छात्रों की छात्र की औसत भार कितना था, 60 केजी। अगर हम इसको पहले सबका 50 छात्रों का कितना भार है वो निकाल लें, तो 50 छात्रों का जो भार होगा, 50 छात्रों का जो भार होगा, टोटल भार कितना हो जाएगा, 50 छात्रों, एवरेज दिया गया, तो औसत 60 गुणे कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो टोटल निकल आएगा, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इन सब का सम निकल आएगा, 50 छात्रों के जो औसत भार है वो सम निकल आएगा, कितना गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 56 30 00 कितना हो जाएगा, 3000। अगर 50 छात्रों को खड़ा कर दिया जाए, जिनका ए बी सी डी ई एफ जी एस ऐसे हैं, अगर उनको खड़ा कर दिया, सबको ऐड कर दिया जाए, तो वो तीन कितना हो जाएगा, 3000 केजी, ठीक है, उनका कितना जाएगा, 3000 केजी। अब जो हो रहा है क्या है, अब ये 3000 में जो 91 छात्र आ जा रहा है, 3000 प्लस 20, 20 केजी है, अब 3000 में 20 और ऐड हो जा रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, 51 लोग हो जा रहे हैं, 51 लोग हो जा रहे हैं। अब इसको फॉर्मूला लगा देंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, 3000, ये हो गया 3020, ठीक है। अब कितने हो गए, 51 छात्रों का औसत भार कितना हो गया, 3020, तो हमको औसत भार निकालना है, ठीक है, औसत भार निकालना है, तो औसत भार कैसे निकालेंगे, ये कितना हो गया, टोटल 3020 बटे 51, ठीक है, 3020 बटे 51, जब इसको डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आ जाएगा क्या, औसत भार, समझ गए, जब इसको डिवाइड कर लोगे, जब इसको डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो क्या हो जाएगा, औसत भार, समझ गए। क्या था कि एक विद्यालय में 50 छात्रों की औसत आयु 60 वर्ष है, ठीक है। यदि कोई 91 छात्र क्या है, जिसका भार 20 केजी है, वो क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, तो क्या पूछ रहा है कि औसत भार क्या होगा, अगर टोटल किया जाए तो उसका औसत भार क्या होगा, तो 50 50 जो छात्र है उनका पहले कितना भार निकाल लो, कितना टोटल भार आ रहा है, 3000 आ रहा है, ठीक है। अब 51 जब शामिल हो जा रहा है, तब कितना भार हो जा रहा है, तब 3020 हो जा रहा है। अब इसका एवरेज निकालते हैं, तो कितना टोटल, कितना जिसका भार कितना है और कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं उसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे औसत भार आ जाएगा, समझ गए, ये हो गया क्वेश्चन, समझ में आया ना, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो
यहाँ पे शॉर्ट पर लिख दे रहे हैं कि एक विद्यालय में गणित गणित का जो अध्यापक है, गणित का अध्यापक जो है उसका 20, नहीं बहुत छोटा हो जाएगा, 20 नहीं, 50 kg, 50 kg भार है, ठीक है। विज्ञान विज्ञान के जो अध्यापक है उसका 60 kg भार है, ठीक है। और हिंदी के जो अध्यापक हैं, हिंदी के जो अध्यापक हैं उनका कितना हो जाएगा, 70 kg भार है मान लो, ठीक है। और मान लो कि संस्कृत 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 के जो अध्यापक हैं उनकी उनका भार कितना है, 65 kg है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि सभी अध्यापकों का औसत भार क्या होगा, तो क्या पूछेगा कि सभी सभी अध्यापक का औसत औसत भार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है, सभी अध्यापकों का औसत भार निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो क्या दिया गया है, गणित के, विज्ञान के, हिंदी के और संस्कृत के अध्यापक का भार दिया गया है, ठीक है। इन सब का अलग अलग भार दिया गया है। और कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सभी अध्यापक, जितने भी अध्यापक हैं यहाँ पे, जितने कितने हैं, तीन चार अध्यापक हैं, चार अध्यापक हैं, इन चारों अध्यापकों का औसत भार हमको निकालना है। तो क्या निकालते हैं कि सम ऑफ नंबर एवरेज इक्वल क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, है ना, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, गणित के कितने हैं, 50 kg, ठीक है, 50 kg। उसके बाद विज्ञान कितने हैं, 60, ठीक है। उसके बाद हिंदी के 70, हिंदी के 70। उसके बाद संस्कृत के कितना, 65, कितना है, 65। अब कितने नंबर, कितने लोग हैं, कितने टीचर हैं, चार टीचर, तो इससे चार से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ऐड कर दोगे, जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 और 6, 5 13, 13 6 19, 19 5 19 और 5 24, ठीक है, 5 4। जब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 चौको 24 और 6 चौको 24, 61 दशमलव आ जाएगा, इतना 1 2, उसके बाद 5, 61.25, ठीक है। इसका जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया, 61.25 kg, ठीक है। समझ गए कैसे करें किए, कि एक विद्यालय में जो गणित के छात्र थे, गणित गणित के अध्यापक जो थे उनकी उनका जो भार था वो 50 kg था, विज्ञान के जो अध्यापक थे उनका कितना था, 60 kg था, हिंदी के जो थे 70 kg था, संस्कृत के जो अध्यापक थे 65 kg था। तो सभी अध्यापकों का औसत भार ज्ञात करना था, तो उसमें एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एवरेज इक्वल सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो एवरेज इक्वल क्या है, सम ऑफ नंबर, सबको क्या कर लिए, सबको जब ये ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 245, 245 kg आ गया, ठीक है। जब इसको ऐड कर लिए तो 245 kg आ गया, उसको ऐड कर दिए, अब कितने अध्यापक थे, चार अध्यापक थे, चार को फिर इससे डिवाइड कर देंगे, 245 में से चार से डिवाइड करेंगे तो 61.25 kg, ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 10 आदमी की औसत भार 15 kg है, 15 kg है, 15 kg है। यदि एक आदमी जिसकी आयु जिसकी जिसका भार जिस जिसका भार 10 किलोग्राम
10 किलोग्राम था, 10 किलोग्राम था यदि उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति या आदमी व्यक्ति आ जाता है जिसका भार 15 केजी है, तो नया औसत भार क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले आप खुद से थोड़ा ट्राई करो, खुद से इसको लगाने को ट्राई करो, देखो क्या आता है। क्या लिखा है कि 10 आदमी की औसत भार कितना है, 50 केजी है। यदि एक आदमी जिसकी औसत भार 10 केजी था, ठीक है, यदि उसके स्थान पे क्या हो जा रहा है कि एक नया व्यक्ति आ जा रहा है और जिसकी औसत भार कितना था, 15 केजी, तो नया औसत भार जिसका भार कितना था, 15 केजी था, ठीक है, तो नया औसत भार क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या कर रहा है कि 10 आदमी के औसत भार 15 केजी, पहले 10 आदमी का कितना भार रहा होगा वो ज्ञात करेंगे। 10 आदमी का भार, 10 आदमी का जो भार रहा होगा, औसत भार नहीं, भार की बात कर रहे हैं, जो 10 आदमी का भार रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 15 गुणे 10। ठीक है, क्या था कि औसत बराबर टोटल, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल, तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितना भार दिया गया है, मान लो कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, और कितने आदमी थे, टोटल 10 थे, तो 10 को इधर कर लिए, जब इसको इधर लाएंगे, देखो सम ऑफ नंबर इक्वल एन टू डी टी, ठीक है, मतलब और एवरेज अपॉन योर एवरेज इंटू टोटल नंबर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 150, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। तो इसका जो 10 आदमी का जो भार था वो कितना आ जाएगा, 15 गुणे 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150 केजी, मतलब 15 आदमी को अगर हम जोड़े, उनका वजन जोड़े, तो कितना जा रहा है, 150 केजी। ठीक है, इसमें से अब जिसका कितना था, एक आदमी जिसका कितना था, 10 केजी था, वो निकल गया, वो क्या हुआ, निकल गया, मतलब इससे 10 से माइनस कर दोगे, 10 से जब माइनस कर दोगे वो निकल गया, तो मतलब कि कितना बचा, 140 केजी बचा, है ना, 140 केजी बचा। उसके स्थान पे अब कितना, कितने, एक नया आदमी आ गया जिसका कितना था केजी, 15 केजी। ठीक है, जिसका भार कितना था, 15 केजी था। अब ये जब शामिल हो गया तो अब टोटल कितना हो गया, 155 केजी। ठीक है, 155 केजी हो गया, और अब कितने हैं, 10 आदमी थे, 10 आदमी थे, और उसके एक के हटने के बाद दूसरा एक आ गया आदमी, तो अब कितने लोग बचे, कितने लोग बचे बताओ जल्दी, 11 नहीं बचे, 10 बचे, क्यों, क्योंकि एक के जगह पे गए हैं। ठीक है, एक के जगह पे मतलब रिप्लेस हुआ है। ठीक है, रिप्लेस मतलब एक गया और एक दूसरा आ गया। ठीक है, जब दूसरा आया तो अब 10 ही लोग बचे हैं, तो मतलब कि अगर और औसत निकाला जाए, औसत, तो कितना हो जाएगा, 10 लोग का जो भार आया, जो नया ये भार है, ठीक है, ये नया भार है, नया भार है टोटल 10 लोगों का, तो नया भार कितना है, 155, ठीक है, अपान, अब टोटल आदमी कितने हैं, 10, अब इसको जब डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 15.5 केजी। ठीक है, 15.5 केजी ये भार आ गया, समझ गए। ये ऐसे टाइप से क्वेश्चन होते हैं, क्या हो रहा है कि शामिल हो रहा है इसमें, अब ऐसे ही क्या होगा, ये निकल रहा है उसके बाद एक दूसरा शामिल हो रहा है, तो ये सारे ऐसे टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेट एग्जाम में। ठीक है, तो ये था शामिल होने। अब इसी में हम आयु से संबंधित ज्ञात करेंगे। आयु संबंधित में क्या है, क्वेश्चन से हम समझते हैं कैसे इसका क्वेश्चन बनता है, उसी हिसाब से आपको हम बताते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि 3 साल बाद इसकी औसत आयु इतनी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी क्वेश्चन दे रहे हैं,
जैसे देखो, एक माँ और बेटी बेटी की औसत आयु 50 वर्ष है यदि यदि माँ की आयु बेटी की आयु से तिगुनी है तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए माँ की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, माँ की आयु ज्ञात कीजिए, या तो इसमें एक चीज़ और हो सकता है, बेटे की आयु ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों को निकाल रहे हैं। ठीक है, बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। तो देखो कैसे, एक क्या है माँ, एक नहीं माँ ही डाल लो, माँ और बेटी की औसत आयु 50 वर्ष है। माँ और बेटी की औसत आयु कितना है, 50 वर्ष है, यदि माँ की जो आयु है बेटी की आयु से 3 गुनी है। तो मान लो कि जो बेटी जो है उसकी आयु एक्स है, मान लो कि बेटी की आयु कितनी है, एक्स है, और तब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है, मतलब कि 3x। ठीक है, और इन दोनों का जो आयु है, औसत आयु है, कितना है, 50 वर्ष है। अगर हम इन दोनों को निकाले जाए कि इन दोनों का आयु कितना होगा, दोनों का आयु यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दोनों की आयु, औसत आयु की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 50 × 2। ये कैसे, देखो 50 वर्ष क्या था, 50 वर्ष आयु मतलब 50 औसत आयु थी। ठीक है, और दो लोग थे, तो मतलब कि 50 × 2 टोटल कितना, 100 वर्ष। अगर दोनों को जोड़ा जाए, दोनों के आयु को जोड़ा जाए, तो कितना आ जा रहा है, 100 वर्ष। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है बेटी और माँ की आयु दिया गया है, माना गया है जो, तो बेटी की आयु एक्स है और माँ की आयु 3x, इन दोनों को जोड़ने पे कितना टोटल, 100 वर्ष, टोटल 100 वर्ष है ना, दोनों की आयु जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, यहाँ पे तो मान आ गया और यहाँ पे मान आ गया। ठीक है, तो x+3x कितना हो जाएगा, 100। अब इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4x = 100, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 100/4। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25। ये कितना आ गया, 25 वर्ष। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 25 वर्ष आ गई। ठीक है, और 25 वर्ष x किसको माने थे, बेटी की आयु, मतलब कि ये जो बेटी की आयु कितनी है, 25 वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 × 25, x की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 25, टोटल कितना, 25 75। मतलब कि अगर बेटी को पूछे तो 25 वर्ष, अगर माँ की पूछे तो 75 वर्ष। समझ गया, समझ गया कि नहीं, देखो एक बार देखो, माँ और बेटी की औसत आयु 50 वर्ष है, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, माँ और बेटी की औसत आयु यदि कितना है, 50 वर्ष है, और यदि उसके माँ की आयु बेटी की आयु से कितनी है, 3 गुनी है, माँ की आयु जो है बेटी की आयु से 3 गुनी है, तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए, या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, बेटी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हम दोनों निकाल लें। अब यहाँ पे दिया गया है कि इनका औसत आयु दिया गया है, ठीक है, औसत आयु इनका दिया गया है, तो इनका रियल आयु कितना हो जाए, मतलब कि दोनों माँ और बेटी के क्या है, आयु जोड़ने पे वो कितना आएगा, पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों की आयु कितनी है, 50 × 2 लोग थे, तो औसत आयु गुड़े कितना है, टोटल पर्सन कितने पर्सन, 2 लोग, तो इससे गुणा कर दिए जब, तो कितना आ जाएगा, 100 वर्ष। ठीक
ठीक है, दोनों की आयु कितना हो गया 100 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा कि मान लो कि बेटी की आयु एक्स है, मान लो कि बेटी की आयु एक्स है और तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है बेटी की आयु से, तो कितना हो गया 3x। ठीक है, अब जब दोनों को जोड़ दोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के आयु और इधर जो माना गया दोनों की आयु, इन दोनों को जब जोड़ दोगे क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3x इक्वल हो जाएगा कितना 100। ठीक है, तो 4x इक्वल 100। ठीक है, जब x इक्वल, जब यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, जब भी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई है तो वो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में जाता है तो डिवाइड होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है इधर जाता है तो ये डिवाइड हो जा रहा है, जब डिवाइड करने पर कितना जा रहा है 25 वर्ष, 25 वर्ष आ रहा है, तो हम एक्स की वैल्यू ये 25 वर्ष आया, तो एक्स किसको मानते हैं, बेटी की आयु, बेटी कितना 25 वर्ष। ठीक है, अब माँ की आयु कितनी हो जा रही है, माँ की आयु यहाँ पे 75 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 3 × 25, तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 75 वर्ष। समझ गए, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस और कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे आप लोग शुरू से क्वेश्चन लिखेगा। ठीक है, क्या करा, माँ और बेटी की औसत आयु, ये इतना पूरा लिख लो पहले, माँ और बेटी की औसत आयु 50 वर्ष है, यदि यहाँ मान लो 46, चेंज कर दे 46 वर्ष। ठीक है, यदि माँ और क्या होता है आयु की, बेटी की माँ की आयु जो है बेटी की आयु से 3 गुनी है, तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु क्या होगी। ठीक है, क्या लिखा, अब 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी, इसको अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, देखो माँ और बेटी की औसत आयु कितना है 46 है, माँ और बेटी की औसत आयु कितना है 46 है, यदि माँ की आयु बेटी की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, तो मतलब कि भाई कि बेटी की आयु एक्स मान लो, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु 3x। ठीक है, 3 वर्ष बाद, मतलब कि यहाँ पे 3 वर्ष इसके में जुड़ेगा और प्लस 3 वर्ष इसमें, क्योंकि एक में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि देखो अब जब 3 वर्ष बाद क्या केवल बेटी ही बड़ी होगी, माँ नहीं बड़े होंगे, तो क्या होगा कि दोनों में जुड़ेगा 3 वर्ष। ठीक है, तो 3x+3 और 3x+3। ठीक है, ये हो गया, अब इनका जो औसत आयु, अब दोनों को आयु कितना हो जाएगा, दोनों की आयु निकाल लेते हैं, दोनों की आयु कितना हो जाएगा 46 है, हाँ 46 × 2। ठीक, 46 × 2 जब इसको गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 12 9, 92। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 92, दोनों की आयु जो होगी वो 92 हो जाएगी, और बेटी और माँ की आयु कितनी है x+3 x+3, और ये कितना है 3x+3। ठीक है, 3x+3, और ये कितने, किसके इक्वल है 92 के इक्वल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ पे हमको बेटी की आयु निकल जाएगी और माँ की आयु भी निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब करोगे तो एक्स और 3x 4x हो जाएगा, और प्लस 3 और 3 6 इक्वल 92। ठीक है, अब यहाँ पे 6 को उस तरफ भेज दो, 4x इक्वल 92 − 6, इसको माइनस कर दोगे 4x, जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 6 और 86, 86 हुआ है ना। अब इसको क्या करोगे, एक्स की वैल्यू जब निकालोगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4x = 86। ठीक है, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 86/4। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 और 20 21। ठीक है, 21.5, 21.5। ठीक है, इन
इनका कितना 21.5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बेटी की पहले पहले कितना था 21.5 था, और तीन वर्ष बाद मतलब तीन को और जोड़ देंगे तो पाँच और ये चार तीन, हाँ 24.5, 24.5 मारे मतलब कि कितना 24.5, ठीक है। और माँ की कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करोगे यहाँ पे x की वैल्यू रख दोगे 3 × 21.5 + 3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, देखो 3×5 = 15 और 3 × 3 = 1, 3 × 3 = 4 और 3 × 6 = 40.5 + 3, जब इसको ऐड कर दोगे तो 67.5, हाँ ठीक 67.5 किसकी आ जाएगी आयु, ये आ जाएगी माँ की, और बेटी कितनी आ जाएगी 24.5, ठीक है। ये समझ में आया, ये ऐसे टाइप से क्या होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं इस तरीके से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, नोट डाउन कर लिए ना, देखो देखो, राम के पुत्र की आयु, राम के पुत्र की आयु राम से 1/4 है, और उसके पिता की आयु पिता की आयु राम से और उसके पिता की आयु राम से 3 गुना है, यदि तीनों का औसत आयु 30 वर्ष है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, राम के पुत्र की आयु जो है राम से कितना है 1/4 है, ठीक है, राम से 1/4 है, और उसके पिता जो राम है उससे राम से उसके पिता की जो आयु है राम से कितना 3 गुना है। यदि तीनों की औसत आयु 30 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात करना है, क्या करते हैं पहले इसको देख लो कि राम का जो आयु है वो कितना है एक्स है, ठीक है। तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो कितना है एक्स का 1/4, ठीक है, मतलब कि एक्स बटे चार, ठीक है। और उसके आगे क्या कह रहे हैं कि उसके पिता की जो आयु होगी राम से 3 गुनी है, राम कितना है एक्स है, तो इसका कितना 3 गुना मतलब 3x, ठीक है, कितना 3x। अब तीनों को क्या किए, मान लिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, इधर इस साइड निकाल लेते हैं कि इन तीनों का आयु अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो तीनों की आयु कितना हो जाएगा, ये कितना दिया गया है 30 × 3, औसत आयु 30 दिया गया, गुणे तीन लोग थे, ठीक है, गुणा कर लिया तो कितना हो जाएगा 90, ये 90 वर्ष आ गया, ठीक है, 90 वर्ष आ गया। अब जब ये तीनों को जब जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने पे कितना है 90 वर्ष आ रहा है, तो मतलब कि अगर इसको जोड़ दे रहे हैं x + x + 4 + 3x = 90, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितना, x की जो वैल्यू आएगी वो किसकी आयु होगी, राम की आयु होगी, उसके बाद हम
एक्स की वाई आयु, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे उसके पुत्र की आयु निकल जाएगी, अगर उसी को 3 गुना कर देंगे तो उसके पिता की आयु निकल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन एक है लेकिन उसमें क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, 3। ठीक है, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक है, 4 है, एक है, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ पता है, देखो अगर नहीं पता तो अगले वीडियो भिन्न का ही लाएंगे। ठीक है, देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 4 1 का जो है वो एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, तो इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, नीचे वाला जो ऊपर वाला अंश होता है ये नीचे हर होता है, हर को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 को अगर 4 में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आएगा। अब जो जो आएगा, जो भी भागफल आएगा उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब 1 से 4 में डिवाइड करें तो 4 आया, 4 को जब x से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4x। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको हम क्या करेंगे, ये है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट वालों को, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो साइन है ये लगा देंगे, 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 को x से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x। ठीक है, अब यही चीज़ इसमें करना है, 1 है नीचे 4 है, 4 को डिवाइड कर देंगे, जब 4 को डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और उसके बाद जो ऊपर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3x है, अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 4 × 3 = 12x। ठीक है, और ये टोटल कितना, 90। ठीक है, ये 90 आ गया। अब इसको क्या करोगे, जोड़ लोगे, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4x 4x और x 5x, और 5 में अगर 12 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 70x/4 = 90। ठीक है, ये कितना आ गया, 90। ठीक है, अब ये 90 आ गया, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 70x = 90 × 4, ये जब 4 को उस तरफ भेज देंगे ये डिवाइड में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x = 90 × 4/70। ठीक है, इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जब इसको मल्टीप्लाई, 9 × 36 = 360/17। ठीक है, 17 × 34, देखो यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, 17 को अगर 360 में डिवाइड कर दे रहे हैं, 360 में जब डिवाइड करेंगे कितना, 2 बार जाएगा, 34, यहाँ पे 2 0 17 1 17। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा, 3। ठीक है, दशमलव लगाएं, 0 लगाएं। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 17 1 17। ठीक है, यहाँ पे आ गया कितना, 3, और ये 2 में से 1 गए, 1 13, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा, 17 × 5 = 85 × 97 = 119। ठीक है, 17 × 7 = 119 119। अब ये क्या है, इतने ही लिख लेगा। ठीक है, इतने ही सॉल्व कर लेना कि 21.17। ठीक है, 21.17 आएगा, तो यहाँ पे जो राम की आयु हो जाएगी कितना, 21.17। ठीक है, 21.17। अब इसी को क्या करोगे, 21.17 में 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जब इसको 4 से जब डिवाइड करोगे तो उसके पुत्र की आयु निकल आएगी। अब इसी में हम अगर 21.17 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो आएगा वो उसके पिता की आयु आ जाएगी। समझ गए, ये इसको सॉल्व कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज, ये इसका जो आंसर निकलेगा। ठीक है, तो एवरेज आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोग कमेंट करिए क्या स्टार्ट करना है, अभी तक तो हमने परसेंटेज, एवरेज और हमने क्या है, क्या क्या खत्म, घातांक और कर्ण, ये सारे ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो आप पूर्ण संख्या या भिन्न, ये जो बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि ज़्यादा चांसेस है कि पूर्ण संख्या स्टार्ट करें। ठीक है, या फ्रैक्शन, कुछ भी स्टार्ट, जो आप बोलेंगे वही स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है परिणाम अकेडमी के नाम से, ठीक है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, जितने सारे क्वेश्चन है, अगर ST यादव के या फिर एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड या फिर एवरेज से रिलेटेड या जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप शेयर कर देंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे यूट्यूब पे चैनल अब पब्लिक हो रहे हैं तो क्या उसको जो भी लिंक तुरंत टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जा रहा है, और व्हाट्सएप पे हमारा है परिणाम अकेडमी के नाम से, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।